मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस क्लास एट चैप्टर 18 सेशन फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है वायु तथा जल प्रदूषण, परंतु आज के सेशंस में अपन वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और किस प्रकार से उसको नियंत्रित कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले वायु प्रदूषण शुरू करें उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जो कि वायु पाई जाती है जहां पर, या वायु का ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखता है, वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। वायु के संगठक की अगर अपन बात करें तो अपने 6th-7th में या पिछली क्लासों में पढ़ा है कि वायु का संगठक जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें सर्वाधिक गैस जो होती है वो आपकी होती है नाइट्रोजन, 78% होती है। फिर आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो आपकी 21% होती है, और 1% जो है उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल बाष्प, धूल धुए के कण या ऑर्गन, इस प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और पृथ्वी के धरातल पर अगर अपन बात करें, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जब ये वायु का संगठक है, इस वायु के संगठक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है या इन गैसों के परसेंटेज में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वो वायु आपकी क्या कहलाती है? प्रदूषित वायु कहलाती है। तो वायु प्रदूषण किसको कहेंगे अपन? वायु के संगठक का परिवर्तन होना, या वायु के संगठक की प्रकृति का परिवर्तन होना, जिससे सजीव और निर्जीव दोनों पर इफेक्ट दिखाई देता है या दोनों पर दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, ऐसी सारी वायु जो होती है या ऐसा सारा क्षेत्र जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण किस कारण से होते हैं? प्रदूषकों के कारण से, या जिसको अपन संदूषक भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वायु प्रदूषक है, क्या है? वे पदार्थ जो वायु को संदूषित कर सकते हैं, या वायु के प्रतिशत, वायु के संगठक में पाई जाने वाली गैसों को प्रतिशत को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे सारे पदार्थ जो है वो आपके क्या कहलाते हैं? संदूषक या प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? सो सामान्यतया अगर अपन किसी भी पॉल्यूशन की बात करें तो उसका मुख्य कारण आपके आता है जनसंख्या वृद्धि। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो इन संगठकों को परिवर्तन करेगी। जैसे कि वायु प्रदूषण की बात करें तो वृक्षारोपण कम हो रहा है और वनोन्मूलन ज्यादा हो रहा है। वनोन्मूलन का मतलब होता है किसी वन को या जंगल को नष्ट करना। क्यों ऐसा हो रहा है? तो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, रहने के लिए घर या मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री निर्माण के लिए या कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए हम प्रतिदिन वनों की संख्या को या जंगल को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कारण से सीधा प्रभाव अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि वायु प्रदूषित हो रही है। आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इस कारण से इसको ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा और सीधे ही वायु क्या होगी? प्रदूषित होगी। दूसरा, बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है जिसमें आपके ज्वालामुखी का फटना हो सकता है, उससे बहुत सारी प्रदूषणकारी गैसें निकलती है, या फैक्ट्रियों, उद्योगों या पेट्रोलियम परिष्करणों से निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं, धुएं हैं, या पेट्रोल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनसे जो धुआं निकलता है, या धूल के कण जो निकलते हैं जंगल में, अगर किसी प्रकार की कोई आग लग जाती है उससे अगर धूल और धुआं निकलता है, विद्युत संयंत्र या स्वचालित वाहन के निर्वातकों से अगर कोई धुआं निकलता है, मानवीय क्रियाकलाप के कारण अगर अपन किसी वस्तु को जलाते हैं ईंधन के रूप में, अगर अपन स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं करके लकड़ी, कोयला या उपले जलाते हैं उससे, या पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को जलाते हैं, किसी भी मानवीय क्रियाकलाप से अगर अपन धुआं उत्पन्न करते हैं, इन सब कारणों से आपकी वायु क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। और ये प्रदूषित वायु जो है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, बहुत सारी डिजीज को कर रही है, श्वसन तंत्र संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हरहराहट होती है, कफ जमता है, अस्थमा हो सकता है, दमा हो सकता है, या फेफड़ों के या लंग्स के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से वायु, प्रदूषित वायु में श्वसन क्रिया या श्वसन करने से, आपको बता रहे हम भोजन किए बिना कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया या सांस लेने के बिना हम कुछ मिनट्स तो बहुत ज्यादा बता रही हूं मैं, कुछ सेकंड से अपन बिना श्वसन क्रिया के नहीं रह सकते हैं, और हमारी प्राण वायु जो है वो ऑक्सीजन है, और अगर वायु प्रदूषित है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो हमको सांस लेने
लेने में दिक्कत या परेशानी हो सकती है। तो ये वायु प्रदूषण के आपके कारण है जो आप सामान्यतया सभी लोग जानते हैं। प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा हो सकता है, दमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या लंग्स में कोई दिक्कत होने पर आपकी मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, आपको पता है कि किसी भी कार्बन के वायु की कम उपस्थिति में या अपूर्ण दहन अगर किसी कार्बन वस्तु का होता है, या कोई वस्तु जला रहे हैं और उसका पूर्ण दहन नहीं होकर अपूर्ण दहन होता है, तो आपकी कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और इसका आप पेपर में भी समय समय पर पढ़ते हैं कि एक कमरे में सिगड़ी जलाकर सोने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर आपने बंद कमरे में वेंटिलेशन बंद है, सर्दी के दिनों में सामान्यतया सिगड़ी जलाई जाती है, खिड़की दरवाजे बंद होने पर जब उस सिगड़ी में रखे कोयले, एक तो कमरे में श्वसन क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होने पर उस कोयले का अपूर्ण दहन होता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, वो तुरंत प्रभाव से शरीर में रक्त के परिवहन को रोक देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक गैस जो है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो रक्त में ऑक्सीजन के वहन की क्षमता में कमी कर देती है। फिर आप देखो पेट्रोलियम परिष्करण से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपके फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है और उससे भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी कॉज हो सकती है। CFC, इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके जनरली फ्रीज, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, एयर कंडीशनर्स कह सकते हैं, एरोसोल की जो धुआं होती है उसमें CFC का उपयोग किया जाता है। CFC जो है वो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रही है। आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने में ओजोन परत अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, और यदि इस ओजोन परत में छेद हो गया है तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है। और विगत अगर अपन 10 वर्षों की बात करें तो पृथ्वी पर इन किरणों के पहुंचने से त्वचा संबंधी रोग या स्किन डिजीज जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में क्योटो सम्मेलन हुआ था, उसमें ओजोन की क्षमता या इसको CFC को कम करने के प्रयास के लिए बहुत सारे देश ने अपना बॉन्ड साइन किया है, और इसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है कि ओजोन परत का जो छेद है वो पहले की अपेक्षा बढ़ नहीं रहा है, जिस कारण से अब CFC के उपयोग के स्थान पर अब ऐसी गैसों का उपयोग किया जा रहा है जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी हो और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हो। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा। सामान्यतया वर्षा जो है वो जलवाष्प का संघनन के कारण पृथ्वी पर जल बूंदों के रूप में आता है। यदि इस जल के साथ में प्रदूषण से, आप देखो अगर आपने वाहन चला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, सारे कारण मैंने आपको बताए, इन सब कारणों से जितनी भी प्रदूषणकारी गैस है चाहे वो CO2 हो, NO2 हो, SO2 हो, ये सारी गैसें जब वर्षा जल के साथ मिलती है तो अम्ल का निर्माण करती है, और वो अम्ल के रूप में वर्षा जल के साथ में जब जमीन पर गिरती है या पृथ्वी पर आती है तो इसको अपन अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहा जाता है। कहा पुराने लोग कहते थे कि पहली बारिश में नहाने से गमोरिया या त्वचा संबंधी रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पहली बारिश में अम्ल यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि स्किन पर अगर गिर रही है तो फंगस या उन सब जो भी गमोरिया के कारण है उन सबको वो खत्म कर देती है और गमोरिया वगैरह ठीक हो जाते हैं। देखिए अब अम्ल कैसे बनती है, जब जल के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है या उस समय तो आपके बनता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का निर्माण होता है। यदि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ में मिलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, इसको अम्ल का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। यदि CO2 के साथ में जल मिल रहा है तो कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है, और जब यह वर्षा के साथ में जमीन पर गिरता है तो अम्लीय वर्षा के रूप में गिरता है। यह अम्लीय वर्षा सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। सजीवों के लिए तो जब अम्लीय वर्षा जमीन पर गिरेगी, वो जमीन पर गिरने पर वो जल यदि नदी तालाबों में जाएगा तो वहां की एसिडिक प्रकृति को क्या करेगा, बढ़ा देगा, pH लेवल को कम कर लेगा, जिसलिए जलीय जीव जो है उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, जलीय पौधे जो है उनके लिए जीवन के लिए खतरा हो सकता है। यदि उस जल को मनुष्य या कोई एनिमल्स उसको ड्रिंक करते हैं या पीते हैं
तो वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि अम्लीय वर्षा मिट्टी में गिरेगी तो मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देगी, जिससे फसल ऐसी फसल नहीं उगा सकते जिसमें अम्लता की मात्रा कम आवश्यक होती है। निर्जीवों का अगर अपन देखें तो बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें, एग्जाम्पल्स देखें तो ताजमहल, एसिडिक रेन जो है वो संगमरमर के लिए हानिकारक होती है, संगमरमर को वो संक्षारित कर देती है, जिसको संगमरमर कैंसर का भी कहा जाता है। और यह संगमरमर को, आपको पता है मार्बल जो है वो व्हाइट कलर का होता है, एसिडिक रेन जो है उसको पीला कर देती है। तो ताजमहल की अगर आज की और आज से 25 साल पहले की अपन फोटो देखेंगे तो काफी डिफरेंस दिखेगा। पहले बहुत ज्यादा व्हाइट था और अब हल्का सा क्या हो गया है, पीला हो गया है, क्योंकि आगरा के पास में मथुरा में जो पेट्रोलियम परिष्करणी रिफाइनरी से या जितने भी वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो सारा ताजमहल पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इस कारण से ताजमहल का रंग जो वो पीला हो रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरुद्ध कुछ एक्शंस भी लिया है और वहां पर शीशा रहित पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को या सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ही चलाने की वहां पर अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उसके अनुरूप हमें हमें अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को एक्टिव करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बताया मैंने संगमरमर का संचालन होता है, संगमरमर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको अपन पौधा घर प्रभाव कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र हैं या जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहां पर फसलों के ग्रो करने के लिए विशेष प्रकार के कांच के घर बनाए जाते हैं। आप नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो भी आप वहां पर देख सकते हैं। उन कांच के घरों में सूर्य का प्रकाश आ तो सकता है लेकिन कांच से बार बार परावर्तक होने के कारण उस घर के अंदर ही बना रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से बाहर की अपेक्षा उस कांच के घर का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, जहां पर आसानी से फसल क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये तो लाभदायक है लेकिन वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस क्रिएट हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है जिसमें से कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग जो है वो पुनः परावर्तित होकर वायुमंडल में या अंतरिक्ष में लौट जाता है। लेकिन पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होने के कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी को एक कंबल की भांति चारों ओर से लपेट लिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इस पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन परावर्तन होकर वापस जाने से रोकता है। इस कारण से पृथ्वी का तापमान निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको नर्सरी वाला बताया, ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आपको क्वेश्चन आता है या आना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस मुख्य गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस पौधा घर प्रभाव के कारण विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसको वैश्विक उष्णक या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस कारण से क्या हो रहा है, हमको पता होगा कि जितने भी तटीय क्षेत्र पर बसी हुई मेट्रो सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, जिससे नदी तालाबों और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है तटीय क्षेत्र पर बसे हुए महानगर जो है वो एक दिन समुद्र में डूब जाएंगे और उसका खामियाजा हमें सबको भुगतना पड़ सकता है। एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और जनसंख्या रहती है, यदि ऐसा हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। यदि इस शताब्दी तक हमने ग्लोबल वार्मिंग को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में कमी करने का प्रयास नहीं किया गया तो पृथ्वी का तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वर्तमान में केवल 0.5 या 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है तो भी उसका दुष्परिणाम अपने को दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से बड़े ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और समुद्र के जल स्तर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मात्रा को कम करें। सहायक गैसें कौन कौन सी हो सकती है, तो मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड या जलवाष्प जो है वो भी आपकी पौधागर की सहायक गैसें हो सकती है, लेकिन मुख्य गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अपने को वायु प्रदूषण को रोकने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो CNG जनित वाहनों का उपयोग करना, CNG जो है वो सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, पटाखों का बहिष्कार करना, कचरे को नहीं जलाना, जहां तक प्रयास हो हमें किसी प्रकार के ऐसे ईंधन को नहीं जलाना चाहिए जो कि प्रदूषणकारी गैसें निकालता हो, स्वच्छ ईंधन या घरेलू ईंधन के तौर पर एलपीजी का उपयोग करना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वृक्षारोपण करना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण जो है वो काफी प्रभावित होता है और हमें भी हमारे जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक जुलाई माह में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े लेवल पर वनोन्मूलन को रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के सेशंस में अपन ने वायु प्रदूषण कारण प्रभाव, उसको कम करने के उपाय और ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक उष्णन और अम्लीय वर्षा के ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में अपन जल प्रदूषण को देखेंगे। थैंक यू।